सब इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं सब इंडिया और मैं आपके साथ हूँ प्रमोद सागर, जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर में। हम अपनी चुनावी यात्रा में इस समय गांव रूपा नांगल में आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चुनाव चल रहे हैं। और इसी चुनाव की चर्चा को लेकर हम यहाँ पर ग्रामीणों से हमने बात की, रूपा नांगल के ग्रामीणों से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक युवा भाई हैं जो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं। चलते हैं, हम उनसे बात करेंगे सीधे सीधे, उनके मन की भावनाओं को जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। और चलते हैं सीधे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह, आप क्या करते हैं? आप एजुकेशन, कहाँ तक आपने एजुकेशन की? MBA। MBA कर लिया, तो शिक्षण कार्य आप, MBA मास्टर डिग्री आपके पास, तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आप गांव की प्रधानी लड़े? आप उम्मीदवार हैं ना गांव के? जी। तो आपके मन में क्या विचार आ रहा है, आप क्यों प्रधानी लड़ना चाहते हैं? प्रधानी हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार दिलाएंगे, जो हमारी माताएं बहन हैं उनके लिए शौचालय बनवाएंगे, और जो जो विधवा है उनके लिए पेंशन बनवाएंगे, और गरीबों के लिए आवास दिलाएंगे। और आप जब अपने ग्रामीण के बीच में जाएंगे, क्योंकि आपने शिक्षण कार्य MBA कर लिया, आपने मार्केटिंग आपकी डिग्री है, तो आप किन विचार उनके बीच में, आप क्या विचार रखेंगे, आप आपके क्या मुद्दे रहेंगे, और बताइए आप। ग्रामीणों के बीच में जाने के बाद पहले उनके बच्चों पर विशेष ध्यान देंगे, जो हमारी एजुकेशन है उस पर, जो हमारे गांव है इसमें जो बच्चे कम पढ़े लिखे मिलते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, और जो उनके खेलने कूदने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र की व्यवस्था कराई जाएगी। जो क्रीड़ा खेल का मैदान होता है बच्चों के लिए, आप खेल का मैदान भी बनवाएंगे? जी। जो सरकार की गाइडलाइन है कि माता बहनों के लिए कोई, आप विशेष क्या करेंगे? आप माता बहनों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था है, और जो आवास दिलाएंगे उनके लिए, और जो है विधवा पेंशन है उनके लिए पेंशन दिलवाएंगे। आप अपने ग्रामीणों से लिए कुछ और कुछ करना चाहते हैं? हम ग्रामीणों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि कैमरा का बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। तो अभी हम बात कर रहे थे, जो युवा नौजवान साथी हैं उन्होंने अपने मन की जो बात है वो आप बता दी हैं, और जिस किसी को भी विज्ञापन लगवाना है, इंटरव्यू देना है, या किसी कोई समस्या है, तो आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।